जी वीडियो के शुरू में एक बात बोलना चाहूँगा मैं, वो ये है जी कि आप क्या 2 माह का टाइम मिल चुका है, तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, जल्दी करें। तमाम बंदे जो किसी भी सूरत में सऊदी अरबिया से आए और यहाँ पर रह गए, हरूम मतलूब एंड इकाम एक्सपायर वाले जो कुछ भी हैं जी, क्या वाकई ये सच है? इस वीडियो में ये क्लियर करेंगे। और दूसरी बात भाई, मैं काम करता हूँ मतार पेपर का, जिससे कंफर्म होता है कि आप सऊदी अरब में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, अगर आपने निकलवाना हो, किसी भी सूरत में आप डिपोर्ट हो चुके हैं सऊदी अरबिया से, तो इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं मुझसे। अभी मुकम्मल वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज की मैं एक ख़बर शेयर करने वाला हूँ जी। ख़बर क्या है, एक भाई ने मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता किया मुझसे, और मुझसे पूछ रहे थे यार के कुछ ऐसा कानून भाई आ चुका है, मैंने सुना है, तो आप प्लीज़ इसके मतलब मुझे गाइड कर दें। तो मैंने उनको आगे से रिप्लाई जो देना था वो दे दिया जी। आप उनका मैसेज भी आपको सुना देता हूँ मैं, कि ऐसा कोई कानून आ चुका है या नहीं आ चुका है। आप मैसेज सुन लें, फिर मैं आपको ना इसके मतलब थोड़ी तफसील भी बता देता हूँ मैं। यानी कि जो कोरोना की पाबंदियों में आए या छुट्टी आए ना जा सके, या कोरोना की पाबंदियों में आए यहीं पर पाकिस्तान में रह गए और वापस ना जा सके, हरूब वाले, इकामा एक्सपायर वाले, सफारा से आउट पास बनाकर आने वाले, सभी के मतलब ही बोल सकते हैं आप इसे। तो आपको मैसेज सुनाता हूँ फिर आगे बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा भाई, एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे। आपकी वीडियोस में देखता रहता हूँ। एक भाई ने बोला था कि कोई नया कानून वगैरह आया है, जो लोग छुट्टी पे आए थे और छुट्टी ख़त्म हो गई, तो एक तो ये तरीका है ना कि पुराने कफील के वीज़े पे ही आ सकते हैं। और अभी पता चला था कि कोई ऐसा भी कानून आया है कि 2 महीने का टाइम दिया है, आप अगर पुराने कफील ने वीज़ा नहीं दिया तो नए वीज़े पे भी आ सकते हैं। क्या ये हकीकत है? नहीं भाई ऐसा जी। तो आपने मैसेज सुन लिया जी। वैसे घर में काम भी चल रहा है जी, आज मकान बनाए जा रहे हैं वैसे, तो लेंटर डल रहा है, उसका भी शोर शायद आपको सुनाई देता रहे। बहरहाल जी, मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, सिर्फ शॉर्ट सी, या लेंटर के ऊपर कितना खर्चा आता, खाली लेंटर के ऊपर घर को छोड़ दें। तो बहरहाल जी, ये भाई ने पूछा क्या कि भाई जो कोरोना की, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया, पाबंदियों में आए वगैरह, ये हरूब वाले, ये वो जो भी हैं जी, तो वो एक तो 3 साल की पाबंदी होती है, अगर पाबंदी यानी कि 3 साल की होती है उसके बाद हम जा सकते हैं, यानी कि 3 साल के अंदर आप पुराने कफील के पास जा सकते हैं, ये होता है। अभी भाई पूछ रहे थे कि ऐसा मैंने सुना है जी, कानून आ चुका है, 2 माह का टाइम मिला है, अगर पुराना कफील आपको वीज़ा नहीं देता तो आप किसी नए कफील के पास जा सकते हैं वीज़ा लेकर, ठीक है जी। तो बात मैं यहाँ पर यह करूँगा जी कि मैंने इनको जो रिप्लाई दिया वो भी मैंने दे दिया जी, इनको बता दिया, आपको भी बताना चाहता हूँ मैं। आप भाई कोरोना की पाबंदियों में आए हैं, आप छुट्टी आए नहीं गए, आपका इकामा एक्सपायर हो गया, छुट्टी एक्सपायर होगी, आपको पता नहीं चला, आप हरूब की सूरत में, आप सवारा से आए, आप आउट पास बनाकर आए, आप मतलूब थे आए, आप जेल के रस्ते आए, आपने बाहर से पैसे देकर खरूज लगवाया, आप उस सूरत में आए, यानी कि किसी भी सूरत में आप लीगल तरीके से नहीं आए। लीगल से मुराद ये होती है कि आपका इकामा वैलिड, आप खुद से अपना खरूज लगवाएं अपने कफील को बोलकर और टिकट लेकर आएँ, वो होता है लीगल तरीका। ये तमाम जो तरीके मैंने आपको गिना दिए सारे के सारे भाई, कोई इनमें से बहुत से लीगल हैं, लेकिन फिर भी आपका इकामा तो वैलिड नहीं था ना, आपने किसी इदारे से, किसी सफारे से, या किसी को पैसे देकर, या जो कुछ भी करवा कर या कुछ अनलीगल तरीके से आए ना। अगर आप अपनी टिकट लेकर आए, मैं मानता हूँ मेरे साथ दोस्त आया मेरा टिकट लेकर, अपनी खुद से सफारा से खरूज लगवाया हुआ था, तो बात सिर्फ ये इसलिए कर रहा था कि आप भाई लीगल तरीके से नहीं आते उस ज़ुमरे में, जिस ज़ुमरे में इकामा वैलिड वाले अपना खरूज लगवा कर आते हैं, वो तो जब चाहे वीज़ा लेकर जा सकते हैं, उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, जिस मर्ज़ी कफील का वीज़ा लेकर चले जाएं, जिस मर्ज़ी कंपनी में चले जाएं। लेकिन ये जो भाई पूछ रहा है इसके मतलब 2 माह का टाइम के मतलब, तो भाई ऐसी कोई भी खबर नहीं है, 2 माह क्या, 6 माह क्या, 15 दिन क्या, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है, ये फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि 2 माह का टाइम मिल गया है जी, आप जल्दी करें, पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, वापसी का सफ़र करें। तो भाई ऐसी कोई भी खबर सच्ची नहीं है। हाँ, इनके मतलब ये है कि आप अपना मतार पेपर निकलवा लें, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मतार पेपर के मतलब, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में आपको अपडेट कर भी चुका हूँ।